ओके तो हेलो एवरीवन, मैं नाम अभिषेक एंड फ्रेंड्स अभी लड़ी मार्केट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो काफ़ी टाइम हो गया फ्रेंड्स, लगभग 2 वीक्स से ज़्यादा हो गया वीडियो अपलोड करने में। एंड मैं ट्रिप पे भी गया था गोवा, जो कि मैंने इन्फॉर्म भी किया था अपने इस ग्रुप में उसके बारे में। तो 15 तारीख में मैं रिटर्न आया फ्रेंड्स, और उसके बाद मैं स्ट्रेटजी के आपके बारे में शेयर करने वाला हूँ। स्ट्रेटजी नहीं है, बस उसी को मैं की लेवल पॉइंट बताने वाला हूँ, डिमांड जोन की लेवल। ओके, जो कि ये वाली स्ट्रेटजी है। तो अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन होता है यहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनती है। वीडियो बहुत रेयर केस में बनाता हूँ, 1 वीक 2 वीक्स में, पर ये इन्फॉर्मेशन एवरी डे मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पर समझते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट या डिमांड जोन की लेवल्स। की लेवल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, मैं हर एक जब भी यहाँ पर पोस्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी यहाँ पर मैं पोस्ट किया होगा तो मैं की लेवल के बारे में जरूर मैं डिस्कस करता हूँ कि की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं एंड उसको समझना पड़ेगा। जैसे यार मैंने पोस्ट किया, फोकस ओनली की लेवल बायर्स एंड सेलर्स जोन से लिया है ना। बायर एंड सेलर्स जोन से लिया मीन्स क्या है, डिमांड एंड सप्लाई जोन से लिया, करेक्ट। तो इसी के बारे में आपको डिस्कस करने वाला, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है, एक हमको रेजिस्टेंस लेवल चाहिए। रेजिस्टेंस मीन्स की लेवल्स होता है, रेजिस्टेंस मीन्स की लेवल, सपोर्ट मीन्स की लेवल, एसएनआर लेवल मीन्स की लेवल, है ना। ये सारे क्या, ये सारे की फैक्टर्स हैं, करेक्ट। एंड उसके बाद क्या हो, रेजिस्टेंस लेवल, फॉर एग्जाम्पल हियर ड्रॉप, ओके हियर रैली, हियर बेस एरिया एंड हियर गोइंग अप ट्रेंड, यानी ये पूरा का पूरा जो हमारा सीनरी हो गया, ये हो गया पूरा रैली, बेस रैली। बट यहाँ पर रैली पर आप देखें, जब बेस एरिया है वो की लेवल पे फेक ब्रेकआउट है, यानी रेजिस्टेंस लेवल पे फेक ब्रेकआउट है, यानी की लेवल, करेक्ट, यानी हियर फेक ब्रेकआउट की लेवल, करेक्ट। तो रेजिस्टेंस लेवल पे अपने क्या हुआ, की लेवल फेक ब्रेकआउट है एंड हियर रैली, बेस रैली। तो हियर डिमांड जोन लेवल, ओवरऑल पूरा का पूरा क्या, डिमांड जोन। तो जस्ट वेट, ट्राइज अगेन हियर रीटेस्ट, लोअर हाई लोअर एंड हियर रीटेस्ट अगेन हियर फेक ब्रेकआउट एंड हियर की लेवल डिमांड जोन लेवल फेक ब्रेकआउट एंड हियर रीटेस्ट फेक ब्रेकआउट। ओके, एंड जैसे प्राइस यहाँ पर आता है डाउन ट्रेंड, यहाँ पर क्या होगा, प्राइस क्या करेगा, ब्रेक करके क्लोज होगा, है ना। कुछ ऐसी कैंडल क्लोज हो सकता है, करेक्ट। तो कुछ ऐसी कैंडल क्लोज हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यह डाउन ट्रेंड आता है, ऐसा कुछ बॉडी क्या होता है, ब्रेक करके, यानी फेक ब्रेकआउट अगेन। जैसे फेक ब्रेकआउट यहाँ पर होता है, यानी फेक ब्रेकआउट डिमांड जोन लेवल, फेक ब्रेकआउट हियर एंट्री लेवल्स। ओके, तो जस्ट रिटेस्ट अगेन, तो प्राइस हियर फेक ब्रेकआउट, फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग यहाँ पर है, अगेन हियर गोइंग अप एंड हियर रिटेस्ट हियर डायरेक्ट एंट्री। ओके, हियर डायरेक्ट एंट्री, रिटेस्ट एंट्री कहाँ पर, की लेवल्स पे, करेक्ट। एंट्री पॉइंट जो होना चाहिए वो की लेवल्स के आसपास होना चाहिए, बिल्कुल, मतलब की लेवल के बिलो होना चाहिए, की लेवल के वो होना चाहिए, बट नियरली की लेवल पे होना चाहिए। यहाँ पर इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर की लेवल पे आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पर बेनिफिट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। की लेवल मीन्स क्या होता है, प्राइस स्टॉप, है ना। आपने देखा कि रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस अगर ब्रेकआउट देता है तो जरूर कहीं ना कहीं स्टॉप होता है, सपोर्ट क्रिएट करता है या एसएनआर लेवल क्रिएट करता है, तो प्राइस क्या होती है, स्टॉप होती है, करेक्ट। तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर की लेवल पर अपना एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपका बहुत ही मिनिमम आपका स्टॉप लॉस निकलता है, करेक्ट। बट अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर आपका 50% चांसेस है कि मार्केट क्या रिवर्स होगा, अब मार्केट हियर कंटिन्यू होगा। बट हियर की लेवल्स फेक ब्रेकआउट एंड हियर रीटेस्टमेंट, रीटेस्ट एंट्री एंड हियर डायरेक्टली हियर प्राइस बाउंस होगा, करेक्ट। की लेवल पे क्या हुआ, प्राइस ने, प्राइस आके स्टॉप हुआ, है ना, प्राइस हियर गोइंग अप एंड हियर रीटेस्ट किया, यानी प्राइस स्टॉप हुआ या रीटेस्ट किया एंड हियर होल एरिया बायर्स एरिया। ओके, तो कंटिन्यूस क्या होगा, यहाँ से जो बायर बाउंस होगा क्या करेगा, यहाँ पर हेल्प मिलेगा उसको स्टॉप होने के लिए, सेलर जैसे ये डाउन ट्रेंड के लिए मूव होगा, सेलर वैसे आपको मिल जाएगा की लेवल, तो वहां पर क्या करेगा, सेलर स्टॉप हो जाएगा, अगेन इंटर हो जाएगा बायर। तो डायरेक्ट हियर एंट्री एंड नियर बाय हियर रेजिस्टेंस लेवल या सप्लाई जोन एरिया टारगेट, नियर बाय रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन एरिया टारगेट, करेक्ट। इसी को बोलते हैं डिमांड जोन की लेवल एंट्री। और भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूंगा सप्लाई जोन की फैक्टर, है ना, एंड कंटिन्यूएशन की फैक्टर। तो आने वाली फ्यूचर वीडियो में आपको काफ़ी अमेजिंग वीडियो मिलेगा, और सारे के सारे की लेवल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और स्टॉप लॉस हिटिंग के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर की लेवल एंड हियर एसएनआर फ्लिप एंड हियर
सुस्त टाइम फ्रेम गेम, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, पर थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, इतना अवेलेबल टाइम नहीं वीडियो शूट करने, बहुत कम टाइम निकाल पाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर बताता हूँ कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो फॉलो ही योर रूल्स, स्ट्रॉन्ग जोन एंड वीक जोन, सुस्त टाइम फ्रेम गेन, एस एन आर फिलिप जो के लेवल पे आता है, जो कि अभी मैं आपको बता रहा था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल या एस एन आर लेवल, है ना। तो वो क्या होता है, के लेवल फैक्टर वन ही वही एस एन आर लेवल फिले। ओके, एंड हियर अप्लाई हियर सप्लाई जोन एंट्री, एंड हियर अप्लाई हियर डिमांड जोन एंट्री। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल आपको देता हूँ ताकि आपको क्लियरली आपको समझ में आए कि कैसे आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले सुस्त टाइम फ्रेम गेम को समझना पड़ेगा, यानी हाई टाइम फ्रेम पे वॉच एंड पावर, है ना, कैंडल्स की बॉडी को पावर को समझना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, कौन सा वीक जोन एरिया होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर अपन ड्रॉ करिए 15 मिनट, है ना, मैं डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, हियर 15 मिनट, एंड हियर देखें क्लियरली हियर स्ट्रॉन्ग बायर्स सॉरी सेलर्स एक्टिव, सेलर्स एक्टिव मारो बोझो करना, सेलर्स एक्टिव कहाँ से, इस एरिया से सेलर्स एक्टिव, तो सिंपल ड्रॉ हियर सप्लाई जोन एरिया, दिस इज सप्लाई जोन एरिया। ओके, एंड यही डिस्कस मैं अपने क्लासेस में किया था, जो मेरा स्टूडेंट है मेंटरशिप प्रोग्राम वाली, यही सेम चीज़ें मैं आपको बताया था, वही चीज़ें मैं आपको ही बता रहा हूँ। ओके, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल आपको प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो सिंपल ये सप्लाई जोन एरिया है, ये मारो बोझो करना स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया, यानी बेस एरिया ब्रेकआउट, तो यानी सेलर्स एरिया। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर 1 मिनट, अब कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पर एंट्री लेना चाहिए, बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पर एंट्री लेना चाहिए, बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पर एंट्री नहीं चाहिए। ओके, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट का मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ये सप्लाई जोन का मैं बता रहा हूँ, सेम हियर सप्लाई जोन या सेम हियर डिमांड, मैं डिमांड जोन का भी बताता हूँ अभी आपको, तो ये मैं डिस्कस ओपन कर दिया तो डिस्कस भी कर लेते हैं। सेम हियर अटेम्प्ट हियर सप्लाई जोन हियर रीटेस्ट, द रीटेस्ट लेवल दिस लेवल। ओके, दिस कैंडल हियर रीटेस्ट की लेवल प्रीवियस, प्रीवियस की लेवल मीन्स एस एन आर लेवल। तो मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि एस एन आर लेवल हियर की लेवल, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ हियर हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड ये प्राइस स्टॉप हुआ, यानी प्राइस क्या है, रीटेस्ट, रीटेस्ट कहाँ पर, की लेवल, की लेवल में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल या मैक्सिमम रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लेवल। तो हियर प्रीवियस ईयर चेक, ओके प्रीवियस ईयर चेक हियर रेजिस्टेंस लेवल, ये दिस इज की लेवल। ओके, हियर की लेवल करेक्ट, एंड और मैं आपको दिखाता हूँ, एंड हियर की लेवल, हियर सपोर्ट लेवल की लेवल करेक्ट, एंड हियर एग्जैक्टली हियर सपोर्ट लेवल की लेवल, यानी इसका मतलब ये प्राइस यहाँ पर स्टॉप हुआ, एंड ये होल एरिया जो हमारा क्या है सप्लाई जोन एरिया, तो सेलर्स एरिया, जैसे बायर से स्टॉक होगा सेलर क्या करेगा, तुरंत पुश करेगा मार्केट का डाउन ट्रेंड के लिए, और नियर बाय हियर डिमांड जो लेवल टारगेट होगा। ओके, नियर बाय डिमांड जो लेवल टारगेट, नियर बाय सपोर्ट लेवल टारगेट, तो इस एरिया में जो हमारा टारगेट होता है सिंपल हियर। ओके, नियर हियर क्लियरली हियर डिमांड जो लेवल एंड हियर टारगेट करेक्ट, एंड हियर डिमांड जो लेवल, हियर डिमांड जो लेवल हियर टारगेट करेक्ट। इजी है फ्रेंड्स, बस आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस एंड मोर एंड मोर, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा आपको प्रॉबिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर रिस्क रिवार्ड एंड हियर की लेवल, तो आपका रिस्क जो है यहाँ पर डिसाइड हो जाता है जब की लेवल पे एंट्री करते हैं आपको। अभी यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, जैसे बड़ी वाली कैंडल है, हो सकता है कि डोजी कैंडल पे आप एंट्री करते हैं, यहाँ पर डिसाइड नहीं है कि प्राइस कहाँ पर जाता है, बट हियर की लेवल स्टॉप प्राइस एंड इंटर हियर सेलर्स एरिया, दिस एरिया होल एरिया पूरा सेलर्स एरिया, एंड हियर स्टॉप लॉस, है ना, लगभग 46 पॉइंट, एंड हियर स्टॉप लॉस, एंड हियर डिमांड जो लेवल लगभग 100 पॉइंट्स, एंड हियर 2.34 रिस्क रिवार्ड। मैं आपको डिमांड जोन का एग्जांपल बताता हूँ, हालांकि मैं सप्लाई जोन का बता दिया हूँ, बस सेम कॉन्सेप्ट हियर सप्लाई जोन अप्लाई एंड सेम कॉन्सेप्ट हियर डिमांड जोन अप्लाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर डिमांड जोन लेवल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर निफ्टी एंड मार्केट हियर डाउन ट्रेंड है, एंड हियर, एंड हियर क्लियरली हियर रैली बेस रैली करेक्ट, हियर रैली बेस रैली, एंड हियर लोअर टाइम फ्रेम, हियर रैली बेस रैली हियर ड्रॉ, क्लियरली हियर रैली बेस रैली। ओके, हियर रैली बेस रैली हियर स्ट्रॉन्ग मूव एंड हियर पावर बायर्स एक्टिव, सॉरी हियर बायर्स एक्टिव, जैसे मारुबुजो कैंडल हियर ब्रेकआउट हियर स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव, तो दिस एरिया बायर्स हियर एंड बायर्स एक्टिव हियर, तो नियर बाय हियर क्या हियर। ओके, एंड सिंपल हियर नेक्स्ट डे ओपनिंग, ओके नेक्स्ट डे ओपनिंग बिलो एंड प्राइस हियर गोइंग अप एंड हियर रीटेस्ट एंड हियर गोइंग डाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर 3 मिनट, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट हियर अप्लाई। ओके, जैसे होल एरिया, जैसे बायर्स एरिया, ओके जैसे बायर्स एरिया, बट मार्केट अप होते हियर ओपन करेक्ट, एंड हियर गोइंग अप एंड हियर गोइंग डाउन एंड गोइंग अप, तो दिस इज ब्रेक और हियर होल एरिया, हियर स्टॉप,
सेलर हियर स्ट्रॉन्ग, सेलर हियर स्टॉप। बट अगर मैं बात करूं कि सेलर्स हियर, तो यहां पर नहीं, क्योंकि हियर मार्केट क्या है, डाउन फॉल हुआ है, तो हमको क्या चाहिए, होल एरिया हियर चाहिए। ओके, तो यानी हमारा जो सेलर सेंटर होना चाहिए वो इस एरिया से होना चाहिए, यानी बायर्स हियर एंड हियर इंटर सेलर एंड हियर रिटेस्ट एंड हियर एंट्री, एंट्री पॉइंट दिस एरिया। तो फॉर एग्जाम्पल हियर हियर बायर एंड इंटर हियर सेलर, तो हियर स्टॉप हियर की लेवल, ओके, एंड हियर स्टॉप हियर की लेवल, तो ड्रॉ हियर हॉरिजॉन्टल लाइन हियर सपोर्ट लेवल एंड स्नैप लेवल, तो हियर सपोर्ट लेवल फॉर एग्जाम्पल हियर, एंड चेक प्रीवियस हियर सपोर्ट लेवल, तो हियर होल एरिया हियर सपोर्ट लेवल, हियर मैक्सिमम सपोर्ट लेवल, एंड हियर सपोर्ट, हियर सपोर्ट, हियर रेजिस्टेंस, हियर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल, हियर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, प्राइस एग्जैक्टली हियर स्टॉप एंड हियर डिसाइड हियर एंट्री एंड हियर सिंपल हियर डिक्लेयर हियर एंट्री। ओके, बट यहाँ पर एंट्री डायरेक्ट नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कटाते हियर साइन हियर रिवर्सल हियर पिन बार, पिन बार हियर रिवर्सल साइन हियर बायर एक्टिव। तो सिंपल हियर एंट्री एंड स्टॉप लॉस हियर क्लियर है ना, जब भी यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हिट होगा तो मिनिमम स्टॉप लॉस हिट होगा माय डियर फ्रेंड्स, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट आपको हमेशा मिलेगा। ओके, मिनिमम स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल डिक्लेयर होगा जितना पॉइंट का होगा, आपका रिस्क आपका 1% मिल सकता है, 2%, 4%, 5% मिल सकता है। बट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एंट्री आपकी यहाँ पर है, नियर बाई आपका सप्लाई जोन एरिया क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, तो फर्स्ट ईयर सप्लाई जोन एरिया, क्योंकि ये होल एरिया सप्लाई जोन एरिया, तो हियर नियर बाई हियर टारगेट। ओके, अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि बहुत छोटा प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि लगभग 30 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। ओके, लगभग 20 से 30 पॉइंट प्रॉफिट होगा इन हियर एंट्री, आई थिंक हियर 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है एंड हियर, ओके, एंड हियर 20 पॉइंट हियर आई थिंक हियर प्रॉफिट, करेक्ट, एंड हियर एंट्री, ओके, एंड हियर एंट्री हियर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, हियर 20 पॉइंट का आपका टारगेट, हियर रिस्क रिवार्ड हियर 1:2, सिंपल हियर हियर 20 पॉइंट का प्रॉफिट एंड एग्जिट रेट। ओके, हियर वन लॉट यूज, चाहे टू लॉट यूज, चाहे आपको 100 क्वांटिटी बाय करे, चाहे 200, मैटर नहीं करता, सिंपल हियर फॉलो रूल इन रिस्क रिवार्ड एंड हियर मैनेज, करेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल हियर ब्रेकआउट एंड हियर रिटेस्ट एंड हियर स्टॉप, तो स्टॉप प्राइस हियर की लेवल, प्रीवियस प्रीवियस हियर स्टॉप प्राइस हियर की लेवल एंड हियर रिजेक्टेड, ओके, एंड हियर रिजेक्टेड, तो हियर स्टॉप लेवल हियर की लेवल, ओके, एंड हियर की लेवल, हियर सपोर्ट लेवल एंड हियर की लेवल, हियर सपोर्ट लेवल हियर की लेवल, तो प्राइस हियर ब्रेकआउट एंड हियर रिटेस्ट है ना, हियर रिटेस्ट, हियर स्टॉप प्राइस, अगेन हियर साइन हियर, अगेन हियर साइन हियर रिवर्सल साइन हियर डोजी हियर पिन बार, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जोन जो है यहाँ पर है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर हो, क्योंकि हियर नियर बाय हियर जोन था, तो हियर जोन के बिलो है, बट यहाँ पर क्या, अगर स्टॉप लॉस आप यहाँ पर नहीं रख सकते है ना, क्योंकि जोन यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है, बाय से, तो इस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या है, काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है ना। अगर मैं बात करूँ इसकी स्टॉप लॉस की, तो एंट्री आपकी दिस कैंडल है ना, क्योंकि कन्फर्म, एंड स्टॉप लॉस हियर लगभग 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एंड फिर वही नियर बाय हियर रेजिस्टेंस, सॉरी नियर बाय आपका सप्लाई जोन एरिया, तो इस केस में अगर आप रिस्क लेते हैं तो सप्लाई जोन पे आपका यहाँ पर टारगेट ये एरिया होगा फिर, ओके, सप्लाई जोन पे हियर आपका टारगेट क्या होगा, दिस एरिया सप्लाई जोन एरिया एंड हियर, क्योंकि दिस हियर पिन बार एंड हाई एंड लो, करेक्ट, एंड हियर सप्लाई जोन एरिया एंड प्लस हियर हिडन सप्लाई जोन एरिया एंड हियर हिडन सप्लाई जोन एरिया, तो TP1 हमारा जो होगा वो हिडन सप्लाई जोन एरिया, तो आई थिंक जो टारगेट आपका होगा TP1 यहाँ पर एंड TP2 ये है, तो हियर रिस्क रिवार्ड फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसी जगह आपको इग्नोर मारना है ना। ओके, आपको दोनों तरीके आपको समझने हैं कि कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एंट्री नहीं लेना है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनती थी क्योंकि रिस्क रिवार्ड फॉलो करता था, बट यहाँ पर क्या, अपना रिस्क रिवार्ड फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, बट अगर हम रिस्क ले रहे हैं तब जाके हमको, रिस्क लेने के बाद हमारा रिस्क रिवार्ड फॉलो कर रहा है यार, 2 पॉइंट है ना, 1:2 का। ओके, तो ऐसी जगह आपको क्या फ्रेंड्स, आपको इग्नोर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मैं अगर हाई टाइम फ्रेम की बात करूं, तो हियर ड्रॉ हियर ड्रॉ हाई टाइम फ्रेम एंड फाइंड हियर डिमांड जो लेवल, सेम थिंग हियर हाई टाइम फ्रेम पे एंड ड्रॉ हियर क्लियरली हियर ड्रॉ बेस रैली, तो क्लियरली हियर ड्रॉ डिमांड जो लेवल, तो दिस इज डिमांड जो लेवल। ओके, जैसे डिमांड जो लेवल ने हियर स्विच लोअर टाइम फ्रेम एंड फाइंड से हियर लेवल, करेक्ट, फाइंड से हियर लेवल, तो अगेन वो सेम कॉन्सेप्ट फिर से वही आ गया। ओके, जैसे हियर 5 मिनट,
सेम कॉन्सेप्ट फिर से वही आ गए, तो हियर 5 मिनट एंड हियर प्राइस हियर गोइंग अप, ओके हियर गोइंग अप एंड हियर ब्रेक दिस लेवल, यानी हियर डिमांड विल ब्रेक एंड हियर रिवर्स, ओके तो हियर क्या स्टॉप है ना, ड्रॉ हियर प्रीवियस रेसनर लेपर्स एंड हियर बाउंस ओके एंट्री हियर जस्ट वेट एंड हियर टारगेट आपको नियरली हियर सप्लाई जून एरिया, तो ड्रॉ हियर की लेबस, अगर की लेबस नहीं है प्राइस यहाँ पर रेटस कर रहा है तो अपने को क्या करना है इग्नोर करना है, तो अपने को क्या की लेबस को बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक की लेबल ना हो तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है, तो हियर प्रीवियस हियर सपोर्ट लेवल हियर क्लियरली हियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एंड हियर रेजिस्टेंस लेवल एंड हियर फेक ब्रेकआउट हियर सपोर्ट क्लियरली हियर एसएनआर लेवल लाइन ओके क्लियरली हियर एसएनआर लेवल फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कैसे अपने को की लेवल फाइंड करना है, कैसे अपने डिमांड जो लेवल पे क्लियर, सेम थिंग है सप्लाई जो रही है सेम थिंग है डिमांड जो लेवल एंड सिंपल हियर फॉलो अ रिस्क रिवार्ड ओके सिंपल फॉलो हियर रिस्क रिवार्ड, बट यहाँ पर जो हमारा रिस्क होगा वो हमारा काफी हाई रिस्क होगा क्योंकि जोन लेवल दिस एरिया ओके हियर 50 पॉइंट के, तो यहाँ पर आपको यूज करना है 1% रिस्क एंड 1% प्रॉफिट वाला, यानी 50-50 हियर 50 पॉइंट का अगर आपका रिस्क है तो 50 पॉइंट का आपका प्रॉफिट है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं करेक्ट, आया तो 5,000 जाए गया तो 5,000 सिंपल सी बात है, या आया तो 50,000 रुपये गया तो 50,000 रुपये, इस कॉन्सेप्ट का आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स ओके। आई होप इस वीडियो मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आपको क्लियर किए हैं की लेबल्स क्या होते हैं सप्लाई जोन के एंड डिमांड जोन लेवल के, और आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एंट्री आपको कहाँ पर आप गलती करते थे, इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ गए फ्रेंड, तो सिंपल फॉलो फ्रेंड्स एवरीडे की लेबल्स, विदाउट की लेबल का एंट्री बिल्कुल मत किया, डायरेक्ट एंट्री लेने पर यही प्रॉब्लम है कि आपकी स्टॉप लॉस हिट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ओके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, एवरी डे प्रैक्टिस एंड उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा फ्रेंड्स ओके एंड अगर आप लोग प्राइस एक्शन सप्लाई एंड डिमांड के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम एंड ये फीस वगैरह है, ये सारे क्लासेस हैं एंड ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं दिस नंबर ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी डाउट हो जाता है, अगर कोई भी डाउट होता है इन सारे कॉन्सेप्ट डिमांड और की लेवल तक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा अपने, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।